हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबीटी एजुकेशन। मैं हूं अदिति और आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में। सरकार कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है जो मेधावी और आर्थिक स्तर पर कमजोर छात्रों को उनकी आगे की पढ़ाई करने में मदद करती है। भारत सरकार और अलग अलग राज्यों की सरकार 12वीं के बाद अलग अलग स्कॉलरशिप्स देती है। आइए आपको इन स्कॉलरशिप्स के बारे में बताते हैं। CSSS यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। हर साल ये स्कॉलरशिप 82,000 नए स्टूडेंट्स को दी जाती है, जिसमें से 41,000 लड़कियां हैं और 41,000 लड़के। ये स्कॉलरशिप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। इसका उद्देश्य पढ़ाई के दौरान होशियार छात्रों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद करना है। कैसे मिलेगी आपको स्कॉलरशिप? कुल पास हुए छात्रों में से 80% से ऊपर जो लड़के और लड़कियां होंगे उन्हें इसका फायदा मिलेगा। 3:2:1 के अनुपात में स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। 3 विज्ञान, 2 कॉमर्स और 1 ह्यूमैनिटीज में डिवाइड किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सफल उम्मीदवारों के अंक 80% से ऊपर होने चाहिए। परिवार की सालाना आय यानी फैमिली इनकम 8,00,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप चुने गए तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा वो बता देते हैं। ग्रेजुएशन के दौरान शुरुआती 3 सालों में हर साल आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान आपको 20,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे। KVPY यानी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इस योजना का उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में छात्रों को आगे बढ़ाने का मौका देना है। रिसर्च के लिए काबिल छात्रों की पहचान और उन्हें इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए मदद करना इसका लक्ष्य है। विज्ञान और तकनीकी विभाग की ओर से फेलोशिप के जरिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इस स्कॉलरशिप के लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। जो छात्र KVPY परीक्षा पास कर लेते हैं उन्हें रिसर्च करने के लिए सरकार की ओर से स्कॉलरशिप दिया जाता है। IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इस परीक्षा को कंडक्ट कराती है। परीक्षा में बैठने के लिए ही 12वीं में 75% मार्क्स होना जरूरी है। इसकी परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोनों ही परीक्षाओं के आधार पर फैसला होता है और आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। PMSS यानी प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना सरकार की एक स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसका फायदा पूर्व सेनानियों और पूर्व भारतीय कोस्ट गार्ड के जवानों के बच्चों और उनके विधवा पत्नियों को दिया जाता है। हालांकि आम लोग या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के परिवार को इसका फायदा नहीं दिया जाता। इस स्कॉलरशिप का मकसद उच्च तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इस स्कॉलरशिप के लिए 12वीं डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन में कम से कम 60% अंक होना जरूरी है। 18 से 25 इयर्स के बीच स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स इसका फायदा उठा सकते हैं। AICTE प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ये स्कीम चलाता है। 12वीं पास होने के बाद 5,000 लड़कियों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। इनमें से 2,000 डिग्री है, जबकि 2,000 लड़कियां डिप्लोमा के क्षेत्र की हो सकती हैं। 1,000 स्कॉलरशिप दिव्यांग छात्राओं के लिए रिजर्व होती है। लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त करना ही इसका उद्देश्य है। चुनी गई छात्राओं को सालाना 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है, साथ ही अन्य लाभ भी दिए जाते हैं। कैसे मिलेगी आपको ये स्कॉलरशिप? मेरिट के आधार पर ये स्कॉलरशिप दी जाती है।
AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान में दाखिला लेना होगा। परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी AICTE प्रगति सक्षम gov.in पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। MGNF महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप IIMs की ओर से इसे आयोजित किया जाता है। ये पब्लिक पॉलिसी और मैनेजमेंट से जुड़ा एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसमें IIM की फैकल्टी बिजनेस और इकोनॉमिक्स से जुड़ी जानकारियां मिलती हैं। इसके साथ ही चुने गए लोगों को फील्ड पर भेजा जाता है जिससे वो रोजगार बढ़ाने के लिए प्लान तैयार करते हैं। चुने गए फेलो ग्रामीण इलाकों के लोगों का जीवन बेहतर करने के लिए भी प्रयास करते हैं। 2 साल की महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप में पहले साल 50,000 रुपए महीने और दूसरे वर्ष में 60,000 रुपए महीने आपको दिए जाएंगे। फेलोशिप के लिए IIM बेंगलोर की वेबसाइट iimb.ac.in पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। दिस इज मी अदिति साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।